हेलो गाइस, तो कैसे हो आप। सो गाइस, आप सब लोगों को पता है कि कल करीन पबजी के सर्वर डाउन हो गए थे और समझा यही जा रहा था कि 2 या 3 घंटों में ये इशू सॉल्व हो जाएगा और सब की गेम ओके हो जाएगी। लेकिन यार कल वाला दिन ख़त्म हो गया और आज अभी तक ये इशू सॉल्व नहीं हुआ। 50% लोग ऐसे हैं जिनके पास अभी भी गेम सही तरीके से चल नहीं रही। तो इसका क्या सलूशन है वही मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल का आइकन है उसे लाजमी प्रेस कर दें और उसे ऑल पर भी कर दें ताकि आपसे इस तरह की किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो सके। तो अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इशू हुआ क्यों था, क्योंकि अभी तक किसी ने भी यूट्यूब पर इसके बारे में डिटेल नहीं दी। तो गाइस, एक अटैक होता है जिसका नाम होता है DDoS अटैक। ये अटैक सर्वर्स पर होता है और इस अटैक के बाद बहुत सारी ऑनलाइन गेम्स के जो सर्वर्स हैं वो डाउन हो जाते हैं। और कल के दिन भी ये अटैक हुआ था सर्वर्स पर और उसके बाद बहुत सारी गेम्स के जो सर्वर्स थे वो डाउन हो गए थे। अब मैं ऑनलाइन गेम्स की बात कर रहा हूँ और उन गेम्स में पबजी भी शामिल थी, फोर्टनाइट भी शामिल थी और भी कुछ गेम्स थी जो इतनी पॉपुलर तो नहीं हैं लेकिन उनके भी सर्वर्स डाउन हो गए थे। अब इस अटैक के बाद कुछ कंट्रीज़ में सर्वर्स डाउन होते हैं, ये नहीं होता कि वर्ल्ड वाइडली पूरी मतलब कि दुनिया के जो सर्वर्स हैं वो डाउन हो जाते हैं। तो उन कंट्रीज़ में पाकिस्तान भी शामिल था और उस वजह से हमारी जो गेम थी वो कल के दिन ख़राब हो गई थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से नेटवर्क्स पर गेम सही चल रही है। ज़ोंग के नेटवर्क पर गेम बिल्कुल सही चल रही है, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, बाकी कंट्रीज़ का मुझे नहीं पता। और उसके बाद टेलीनार के नेटवर्क पर भी गेम सही चल रही है, यूफोन के नेटवर्क पर भी गेम सही चल रही है और PTCL पर भी गेम सही चल रही है। तो इन नेटवर्क्स पर गेम अभी तक सही रन कर रही है और जिनके पास जैज़ की सिम है उनके पास ये गेम सही तरीके से वर्क नहीं करेगी। और भी कुछ वाईफाई वाले नेटवर्क्स हैं जिन पर गेम सही तरीके से रन नहीं कर रही। तो अब इसका जो सोल्यूशन है वो मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने पहले भी एक इस पर वीडियो बनाई थी जब पबजी पाकिस्तान में बैन हुई थी। तो यार, इसका सोल्यूशन है VPN। अब VPN को यूज़ किस तरह से करना है अगर वो आप जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दूंगा, तो आप उस वीडियो को जाकर देख लें। क्योंकि जब पाकिस्तान में पबजी बैन थी तो उस वक्त मैंने लोगों को बताया था कि किस तरह से आपने VPN को सही तरीके से काम में लाना है जिससे आपकी जो आईडी है वो बैन भी ना हो। तो आप उस वीडियो को लाजमी से जाकर देख लीजिएगा। तो बस यही थी आज की हमारी एक छोटी सी वीडियो। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।